आज के दिन भी मुझे उठने में देर हो गई, फटाफट से टाइम देखता हूँ। बल्कि नहीं यार गाइस, मैं लेट नहीं हूँ। मैंने 7 बजे से पहले पहले मिलिट्री बेस के अंदर पहुंचना है, क्योंकि यार गाइस लॉस सैंटोस की मिलिट्री के अंदर जॉब्स आ चुकी हैं, और ये वाली जॉब साल में सिर्फ और सिर्फ एक दफा आती है। अरे यार हमने, आप कहाँ पे जा रहे हो? सेंचर में मिलिट्री बेस के अंदर जा रहा हूँ। अरे वो लेकिन मिलिट्री बेस के अंदर सुबह सुबह आपको कौन सा काम है यार? जॉब यार मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे फौरन से पहले मिलिट्री बेस पहुंचना होगा। फटाफट से नहा लेता हूँ। अरे लेकिन मिलिट्री बेस में आपको काम क्या यार? सेंचर और जॉब लॉस सैंटोस की मिलिट्री के अंदर जॉब आई है। अरे भाई मैं भी लॉस सैंटोस की मिलिट्री ज्वाइन करूंगा यार। अरे हाँ हाँ मैं भी मिलिट्री ज्वाइन करूंगा। सेंचर और चौप आर्मी को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोगों ने सोच के रखा है, लेकिन यार हमने अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, तो मैं तुम लोग से वापस आके मिलता हूँ। अरे लेकिन खाने को कुछ लेकर आना, बहुत भूख लग रही है यार। चौप यार एक दफा अगर मुझे लॉस सैंटोस मिलिट्री के अंदर जॉब मिल गई तो मैं तुम लोग को बहुत ही बढ़िया पार्टी दूंगा, लेकिन यार हमदा मुझे लगता है कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री आपको जॉब देगी नहीं। अबे सेंचर सुबह सुबह मुंह से अच्छी बात निकाला है, लॉस सैंटोस की मिलिट्री तो मैं ज्वाइन करके रहूंगा। अभी मेरे पास 2 मोटरबाइक्स हैं, कौन सी वाली लेके जाऊं? फटाफट से सबसे पहले टाइम देखता हूं, तो यार गाइस 6:30 बज रहे हैं। मिलिट्री बेस पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट हैं, तो एक काम करता हूं कि ये वाली बाइक लेके जाता हूं, क्योंकि यार गाइस मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूं, और जो मेरी ये वाली बाइक है ये ऑफ रोडिंग बाइक है, और मुझे पता है अगर तो मैं सीधी रोड लेके गया तो मैं काफी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। ये वाली अपॉर्चुनिटी यार गाइस मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला हूं, मुझे फौरन से पहले मिलिट्री बेस के अंदर पहुंचना होगा। लेकिन यार गाइस मुझे ये नहीं पता कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री मेरा टेस्ट कौन सा लेगी। जितना मैंने लोगों से सुना है वो सब लोग तो मुझे यही कह रहे थे कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री का टेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और उन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा डराया भी है। साथ में उन लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि मैं आर्मी में कभी भी नहीं आ सकता हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए आज तो मैं आर्मी ज्वाइन करके रहूंगा। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ही थोड़ा सा रह गया है, तो फटाफट से शॉर्टकट मारता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने ये वाली बाइक चूज कर ली है, क्योंकि यार गाइस ये वाली मोटर बाइक माउंटेन्स के ऊपर भी चढ़ सकती है। मगर एक सेकंड लगा, फटाफट से पहले हेलमेट पहन लेता हूँ, इससे पहले कि मेरी खोपड़ी फट जाए मुझे हेलमेट पहनना होगा। मेरे बिल्कुल सामने आप लोग को लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस दिखाई दे रहा होगा, और अभी मुझे यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा ओपी जंप करनी होगी। आई होप कि यार गाइस मैं क्रैश नहीं करूंगा, बच गया। आज तो मुझे आर्मी ज्वाइन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फटाफट से यहाँ से लेफ्ट होता हूँ, और ये सामने बिल्कुल हम लोग के मिलिट्री बेस है। अभी पता नहीं ये लोग मुझे एंटर होने देंगे भी या फिर नहीं। स्पीड तो मैंने बहुत तेज लगाई है, और एक सेकेंड ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अबे भाई जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ लड़के शादी पे आए हो क्या? नहीं शादी पे तो नहीं आया हूँ, लेकिन अंदर आर्मी के इंटरव्यू चल रहे हैं ना। हाँ इंटरव्यू तो चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, मुझ में क्या कमी है, हटा कटा तो हूँ मैं। हेलमेट उतार के अपना मुंह दिखाओ। अच्छा ठीक है ये देखो, दिखने में तो भिखारी लग रहे हो, आर्मी कैसे ज्वाइन करोगे? अबे पागल वागल हो गए क्या, बेइज्जती क्यों कर रहे हो मेरी? मैं तो बोलता हूँ कि लॉस सैंटोस के किसी अमीर बिजनेसमैन के अंदर ड्राइवरी का काम करो, पैसे भी कमाओगे टिप भी मिलेगा। अभी वो क्या है ना कि तुम मुझे सही से जानते नहीं हो, और मुझे गुस्सा भी काफी ज्यादा आता है। इससे पहले कि मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूं मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। मेरे साथ बदतमीजी करोगे? अबे मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, मुझे अंदर जाने तो मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। आईडी है तुम्हारे पास? हाँ आईडी है, ये लो चेक करो। अच्छा फ्रैंकलिन क्लिंटन नाम है तुम्हारा? हाँ मेरा नाम फ्रैंकलिन क्लिंटन है, मुझे प्लीज अंदर जाने दो। ठीक है जाओ अंदर। फाइनली यार गाइस अंदर जाने की परमिशन मिल गई है। बाहर गेट वाले बंदे ने मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। मगर एक सेकंड यार गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, 8 बज रहे हैं। 7 बजे का टाइम था, 8 बज गए, लेकिन बाहर गेट वाले ने मुझे लेट किया है। अभी फौरन से पहले मुझे इंटरव्यू वाली जगह पे जाना होगा। मिलिट्री बेस के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, और अपनी मस्त वाली मोटर बाइक को भी लेकर आ गया हूँ। वैसे नॉर्मली मिलिट्री बेस के अंदर कोई भी आ नहीं सकता है, लेकिन आज इन लोग के जॉब इंटरव्यूज चल रहे हैं तो कोई भी अंदर आ सकता है। लेकिन मुझे अभी देखना होगा कि जॉब सिलेक्शन वाला सेंटर कौन सा है। लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस है तो काफी ज्यादा बड़ा, मगर मुझे ये नहीं पता कि सिलेक्शन कहाँ पे हो रही है। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, लगता है कि आज मेरी बेइज्जती होगी या फिर ये लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मैं अपनी मोटर बाइक भी इन लोग के रनवे के ऊपर चला रहा हूँ। लेकिन जॉब इंटरव्यूज तो यार गाइस यहाँ पे हो ही नहीं रहे हैं। लगता है कि मुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, बल्कि नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन अगर होती तो वो बंदा मुझे अंदर एंटर होने ना देता। एक काम करता हूँ कि यहाँ किसी बंदे से पूछ लेता हूँ, मगर यहाँ कहीं पे कोई है भी तो नहीं। एक सेकेंड ये बंदा खड़ा हुआ यहाँ पे। सर आप मुझे बता सकते हो कि जॉब इंटरव्यूज कहाँ पर हो रहे हैं? क्यों मिलिट्री ज्वाइन करोगे क्या? हाँ मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। शक्ल देखी है तुमने अपनी? मेरी शक्ल को छोड़ो, तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या? अबे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है तुम क्लर्क हो, ये तो मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। हाँ ना नूबड़े तुम एक क्लर्क हो, लेकिन बातें इस तरह कर रहे हो जिस तरह तुम कोई कमांडो या फिर कैप्टन हो। कमांडो नहीं हो तो क्या बात, जल्दी बन जाऊंगा। हाँ ठीक है जब बनोगे तब के तब देखेंगे। अभी तुम मुझे बताओ कि जॉब इंटरव्यूज कहाँ पे चल रहे हैं? वो बिल्कुल सामने की तरफ जनरल साहब इंटरव्यूज ले रहे हैं। टाइम देखा है तुमने? हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। थोड़ा सा नहीं पूरा का पूरा 1 घंटा लेट हो गया। अभी अगर जनरल से बेइज्जती करवानी है तो चले जाओ सामने। ऐसे कैसे बेइज्जती करवानी है, मैं अभी जनरल के पास जाता हूँ। अबे मोटर बाइक कैसे लेकर आ गए अंदर? ये मोटर बाइक
मैंने रास्ते से चोरी की है। हैं तुम चोर हो क्या? हाँ मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। पागल वागल हो गया है। एक तो ये क्लर्क है, ऊपर से बातें इस तरह कर रहा है जिस तरह ये आर्मी का जनरल लगा हुआ हो। मगर इसने मुझे लोकेशन बिल्कुल ये सामने की बताई है और यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं है। अबे यार गाइस ये सब लोग मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं? लॉस सैंटोस की आर्मी तो मैं कुछ भी हो जाए ज्वाइन करके ही रहूंगा, मगर मुझे ये पता ही नहीं है कि जॉब इंटरव्यूज हो कहाँ पे रहे हैं। कोई सही सा बंदा भी तो नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं उससे पूछ लेता। अभी क्या करूं, एक काम करता हूं कि सामने की तरफ जाके देखता हूं। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूं और इन लोगों ने कोई बोर्ड भी नहीं लगा के रखा और ये लोग मुझे सही से गाइड भी नहीं कर रहे हैं कि इंटरव्यूज कहाँ पर हो रहे हैं। मैं जिससे भी बात करता हूं वो मुझे बोलता है कि अपनी शक्ल देखिए क्या। ये लोग मुझे अच्छे लग रहे हैं, इन लोग से पूछता हूं। सर जॉब इंटरव्यूज कहाँ पर हो रहे हैं? बेटा जॉब इंटरव्यूज वो सामने की तरफ हो रहे हैं। तुमने आर्मी ज्वाइन करनी है क्या? जी जी सर मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। शाबाश बेटा, हम लोग की आर्मी को तुम जैसे जवानों की जरूरत है। हाँ थैंक यू सर, आप पहले बंदे हो जिसने मेरी तारीफ की है। बाकी तो मैं जिससे भी बात करता था वो मुझे बोलता था कि तुमने अपनी शक्ल देखी है या फिर नहीं। बेटा शक्ल में कुछ भी नहीं रखा, जज्बा होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, वो क्या है ना कि मैं अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, तो आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि जॉब इंटरव्यूज कहाँ पर हो रहे हैं। बेटा वो सामने तुम्हें फाइटर जेट दिखाई दे रहा है क्या? फाइटर जेट तो नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे जाओगे दिखाई दे देगा। फाइटर जेट के बिल्कुल सामने हम लोग के जनरल साहब खड़े हुए, वही सबके इंटरव्यूज ले रहे हैं। लेकिन सर मैं लेट तो नहीं हो गया? बेटा तुम लेट तो हो गए हो लेकिन मिलिट्री बेस के अंदर तो आ गए हो। अभी तुम्हारा इंटरव्यू तो लिया जाएगा लेकिन सिलेक्शन होगी या फिर नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अभी इस बंदे ने मुझे बोला है कि सामने एक फाइटर जेट खड़ा होगा और एक सेकेंड ये रही वो जगह, मगर फाइटर जेट तो है ही नहीं। लगता है कि फाइटर जेट उड़ गया होगा। सर क्या हाल है? अबे पीछे लाइन पे खड़े हो। अच्छा ठीक है लाइन पे खड़ा होता हूँ मैं। यहाँ पर तो यार गाइस ये सब लोग जॉब इंटरव्यूज के लिए आए हैं, मगर एक सेकेंड चाचा जी आप किधर? अरे बेटा मैं भी आर्मी को ज्वाइन करूंगा, देश की रक्षा करूंगा। लेकिन चाचा जी आप आर्मी को ज्वाइन करके क्या करोगे? आपके तो गिनती के 3-4 दिन रह गए हैं। एक काम करो बीच बीच पे जाके चिल करो। अरे नहीं नहीं बेटा, 3-4 दिन आर्मी की रक्षा करूंगा। हैं आर्मी की रक्षा करोगे? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब है कि देश की रक्षा करूंगा। अच्छा ठीक है चाचा जी, अगर आप सेलेक्ट हो सकते हो तो मैं भी हो सकता हूँ। अबे लाल शर्ट वाले पीछे लाइन पे खड़े हो जाओ। जी जी ठीक है सर, अभी खड़ा होता हूँ। ये सब लोग तो मुझे नॉर्मल लग रहे हैं, इनसे तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तुम मेरी बात सुनो। हाँ बोलो क्या हुआ? आर्मी वाले टेस्ट कौन सा ले रहे हैं? आर्मी वाले 100 पुशअप्स लगवा रहे हैं, तुम लगा लोगे क्या? अबे 100 पुशअप्स, ये कौन सा मुश्किल बात है, 1 सेकंड में लगा लूंगा। चलो ठीक है, वो तो तुम्हारी बारी आने पे देख लेंगे। 100 पुशअप्स लगाने आ गए मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला बंदा खड़ा हुआ है ये कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा है और इसकी भी बॉडी बॉडी ठीक है, मगर 1 सेकंड लगा। बॉडी तो हम लोग की भी ठीक है। एक काम करता हूँ कि फटाफट से पहले अपनी शर्ट उतारता हूँ, उसके बाद इन लोग को पता चलेगा कि आकाश हम लोग की भी बॉडी बहुत बढ़िया है। अभी लग रहा हो ना मिलिट्री वाला, लेकिन पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है, मगर कोई बात नहीं इतना तो चलता है। फटाफट से जाके लाइन पे खड़ा हो जाता हूँ। इन नूबड़ों से तो यार गाइस मेरी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है और 100 पुशअप्स तो मैं डेली लगाता हूँ। मुझे लगता है कि आर्मी की जॉब मुझे मिल जाएगी। लेकिन जनरल साहब कितना टाइम है? अबे चुपचाप लाइन पे खड़ा रहे। हाँ ठीक है, कब से लाइन में ही खड़ा हुआ हूँ। ये दोनों पहलवान तो यार गाइस यहाँ पे पुशअप्स लगा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये लोग 100 पुशअप्स तो लगा लेंगे। मुझे भी थोड़ा सा वार्म अप करना होगा। एक काम करता हूँ कि फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ लेता हूँ, उसके बाद मुझे पूरे के पूरे 100 पुशअप्स लगाने हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है 100 पुशअप्स तो मैं लगा लूंगा, लेकिन मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करना है और मेरे ख्याल से इतनी एक्सरसाइज काफी रहेगी। अभी फटाफट से वापस जाके लाइन पे खड़ा हो जाता हूँ। पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। 95, 96, 97, 98, बाकी 2 रह गए, जल्दी करो। 99, 100, शाबाश रेड वाले तुम खड़े हो जाओ। रेड टी शर्ट वाले को आर्मी वाले ने बोला है कि खड़े हो जाओ, पता नहीं कहीं ये लोग सेलेक्ट तो नहीं हो गए। तुम सब लोग सामने आ जाओ। जी सर मैं तो आ गया हूँ सामने। तुम सब लोग के आने का बहुत शुक्रिया, अभी तुम 5 वापस जा सकते हो। लेकिन सर क्या मतलब वापस जा सकते हो? अभी मैं तुझे मतलब समझाऊं क्या? नहीं सर, वो क्या है ना कि मुझे जॉब चाहिए थी। ये सामने वाले 2 बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं, तुम सब लोग वापस चले जाओ। अरे लेकिन जनरल साहब मुझे भी नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अरे चाचा जी निकलो यहाँ से, और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अरे जनरल साहब अंदर तो कोई भी नहीं आने दे रहा था, लेकिन मैं दीवार टाप के अंदर आ गया। कमांडर जल्दी से लोग को धक्के देके बाहर निकालो। जी ठीक है सर, अभी निकालता हूँ। लेकिन सर आप 1 सेकंड मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे काफी ज्यादा हट्टे कट्टे लग रहे हो। एक काम करो कि तुम साइड पे खड़े हो जाओ और तुम बाकी सब निकल जाओ यहाँ से। बाकी सब लोग तो चले गए, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला बचा हूँ और सामने 2 बंदे खड़े हुए हैं। लड़के तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम हामिटी है। हामिटी अभी मेरी बात सुनो, सामने वाले 2 बंदों ने 100 पुशअप्स लगाए हैं। सर मैं 150 लगा लूंगा। अबे मेरी बात सुनो, बीच में नहीं बोलना। जी ठीक है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सामने वाले 2 बंदों ने
सामने 100 पुशअप्स लगाए और इन लोगों ने पहला टेस्ट भी क्लियर कर लिया। लेकिन सर आपने मेरा टेस्ट तो लिया ही नहीं अभी तक। लॉस सैंटोस की मिलिट्री के अंदर सिर्फ एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी बोले तो सिर्फ एक जॉब है। तुमने सही बोला, सिर्फ एक बंदे की जरूरत है हम लोग को और यहाँ पे ये दो बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन सर ये तो लेवल 1 है ना। तुमने सही बोला लड़के, ये लेवल 1 है। लेवल 1 इन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है। अभी ये दोनों लेवल 2 के अंदर जाएंगे और फिर इनमें से जिसने भी लेवल 2 को क्वालिफाई किया वो लॉस सैंटोस की आर्मी के अंदर आ जाएगा। लेकिन सर मेरा तो टेस्ट नहीं लिया आपने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो? जी सर मैं इनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ठीक है फिर तुम इनके साथ फाइट करो। इन दोनों के साथ फाइट करना है क्या? हाँ तुमने इन दोनों को अकेले मारना है। लेकिन सर 1-on-1 फाइट कराओ ना। मैंने तुम्हें बोला कि मेरे साथ सवाल मत करो। इन दोनों को मार सकते हो तो मार के दिखाओ, नहीं तो निकलो बाहर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, मैं पेल दूंगा इनको, करता हूँ बंदोबस्त इनका। अरे तू मरेगा, मुझे शक्ल देखी अपनी। अभी यार गाइस ये दोबारा मेरी शक्ल पे आ गए। सुबह से मैं एक ही बात सुन रहा हूँ कि शक्ल देखी है या फिर नहीं, शक्ल देखी है या फिर नहीं। लेकिन वो लोग तो मिलिट्री वाले थे, उन लोग के पास यूनिफॉर्म था, इसलिए मैंने उन लोग को कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी इन दोनों ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा सिर्फ तुम्हें आता है क्या? अच्छा तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइटर हो। लेकिन मुझसे बचोगे नहीं, ये ले एक काम कर, ये भी ले। इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये तो मेरी कुछ ज्यादा धुलाई कर रहे हैं। और अभी तो ये दोनों यहाँ पे आ गए, मार रहे हैं गाइस, काफी ज्यादा मार रहे हैं। मुझे लगा था कि ये लोग ज्यादा खतरनाक फाइटर नहीं होंगे, मगर एक तो गिर गया नीचे, दोबारा खड़ा हो गया है। ये ब्लू वाला मुझे ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ कि पहले इसको पेलता हूँ। अभी ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं इसको मारूंगा, उसके बाद दूसरे का बंदोबस्त करता हूँ। कहाँ गया ये रहा। इतने मुक्के मारूंगा कि मैं इसको सांस भी नहीं लेने दूंगा। गया यार गाइस, रेड वाला गया मगर एक सेकंड ये मर क्यों नहीं रहे हैं। बे यार गाइस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। एक काम करता हूँ कि इकट्ठे इसको मैं 5-6 मुक्के मारता हूँ, उसके बाद ये बेहोश होगा। गया रेड वाला गया मगर नहीं, अभी तक जिंदा है। अबे यार गाइस ये लोग तो मर नहीं रहे। एक काम करता हूँ कि अभी मैं इसको लात मारता हूँ, लात मारूंगा तभी तो ये मरेगा। लेकिन एक सेकंड बहुत ज्यादा मार रहे हैं। अबे यार गाइस लग गई। मुझे नहीं पता था कि आर्मी ज्वाइन करना इतना ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने तो सोचा था कि ये लोग मुझसे पुशअप्स लगवाएंगे, थोड़ी सी रनिंग कराएंगे और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। मगर एक सेकंड पीछे ये ब्लू वाला आ गया। इन दोनों ने अपनी टीम बना के रखी है और ये लोग तो मर भी नहीं रहे। इन लोग की ब्लॉकिंग भी यार गाइस काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अभी एक साथ 10 मुक्के इसको मैं मारूंगा, उसके बाद बचेगा। इसके मरने का टाइम आ चुका है, मगर पीछे से लाल वाला भी तो मार रहा है। इससे पहले कि मैं मर जाऊं मुझे इन लोग को पेलना होगा। इतने ज्यादा मुक्के मारो, अबे मर जाना मोटे। नहीं मर रहे यार गाइस, ये मरने का नाम नहीं ले रहा। और अभी क्या, इससे पहले कि ये दोबारा उठे मुझे इसको मारना होगा। मगर नहीं, ये ब्लू वाला तो बेहोश हो चुका है। अभी इस रेड वाले के साथ आप लोग देखना कि मैं करता क्या हूं। अभी थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और भागता हुआ जाके इसको मारूंगा सुपरमैन पंच। और अभी ये नहीं बचेगा, अभी ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बैक टू बैक मुझे इसको 10-20 मुक्के मारने होंगे। गिर गया गिर गया गिर गया। आई होप के उठेगा नहीं, आई होप कि यार गाइस ये उठेगा नहीं। लेकिन इसने मुझे बोला था कि शक्ल देखिए या फिर नहीं, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अबे छोड़ दे, पीछे आ जा। हाँ सर देखा, फिर दोनों को पेल दिया मैंने। अरे वाह लड़के, तुम तो बहुत ताकतवर हो। हाँ ताकतवर तो मैं हूँ। अपना मुंह देखा है तुमने? अबे यार गाइस ये दोबारा मुंह की बात कर रहे हैं। मगर एक सेकंड, इन लोगों ने तो मेरी कुछ ज्यादा ही धुलाई कर दी है। जी सर मैंने मुंह देखा है, थोड़ी सी चोट लग गई है मुझे। लेकिन तुमने दोनों को डिफीट कर दिया, शाबाश लड़के। मेरे तो हाथों पे भी खून लगा हुआ है और मुंह पे भी यार गाइस बहुत मुक्के मारे मुझे इन लोगों ने। लेकिन फाइनली मैंने दोनों को बेहोश कर दिया। लेकिन सर अभी क्या, मैं अपनी जॉब पक्की समझूं क्या? तुम्हें हम लोगों ने पहले ही बताया था कि आर्मी में सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की जॉब है और तुमने तो दोनों को बेहोश कर दिया। अभी तुम अकेले बचे हो। लेवल 1 तुमने क्लियर कर लिया, लेकिन लेवल 2 के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा सर अभी ये लेवल 2 कौन सा है? तुम्हें मैं एक लोकेशन बताऊंगा, वहाँ पर एक ब्रीफ केस पड़ा है, तुम्हें वो वाला ब्रीफ केस ढूंढ के लेकर आना होगा। अभी सर ब्रीफ केस को मैं कैसे ढूंढूंगा? तुम्हारे पास टाइम होगा सिर्फ 1 मिनट का। अच्छा ठीक है सर, ब्रीफ केस ढूंढना है ना? हाँ तुमने ब्रीफ केस ढूंढना है। लेकिन सर वो जगह कितनी बड़ी है? वो जगह तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। अगर तो तुम्हारे अंदर दिमाग हुआ तो फिर तुम ब्रीफ केस को ढूंढ लोगे। अच्छा ठीक है मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारा फिजिकल टेस्ट हो गया है लड़के, याद रहे ये तुम्हारा मेंटल टेस्ट है। मेंटल टेस्ट बोले तो दिमाग का टेस्ट? सही बोला तुमने। अभी मेरी बताई हुई लोकेशन पर जाओ। अच्छा ठीक है सर मैं शर्ट पहन लेता हूँ। शर्ट वेट पहनने की जरूरत नहीं है, तुम इसी तरह जाओगे। अच्छा ठीक है, लेकिन लोकेशन है कौन सी? मेरा कमांडर तुम्हें वहाँ पे छोड़ आएगा, याद रहे तुमने ब्रीफ केस को 1 मिनट में ढूंढ के लेकर आना है। अच्छा ठीक है, ब्रीफ केस को मैं लेकर आ जाऊंगा। मेरे बताए हुए लफ्ज याद रखना, ब्रीफ केस को ढूंढ के लेकर आना है। हाँ ठीक है सर, ब्रीफ केस को ढूंढ के लेकर आना है, सुन लिया मैंने। ठीक है जाओ फिर। अबे यार
यार गाइस ये इन लोगों ने मुझे कहाँ पे फेंक दिया है। मुझे तो यार गाइस काफी ज्यादा सर्दी लग रही है। इन लोगों ने मुझे शर्ट भी नहीं पहनने दी, मगर आर्मी के जनरल ने मुझे बोला था कि मैंने ब्रीफ केस को ढूंढना है और साथ में उसने मुझे बोला था कि मैंने उसके लफ्जों को गौर से सुनना है। अभी ब्रीफ केस में गौर से सुनने वाली क्या बात है, इतने बड़े माउंटेन में मुझे ब्रीफ केस कहाँ से मिलेगा और वो भी एक मिनट के अंदर। ये वाला टास्क तो यार गाइस इम्पॉसिबल है, मुझे कुछ भी करके ब्रीफ केस को ढूंढना होगा। आप लोग फटाफट से यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद मुझे ब्रीफ केस मिल जाएगा। बिलीव मी यार गाइस, जैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, मुझे कहीं ना कहीं पे ब्रीफ केस मिल जाएगा। कुछ भी करके मुझे ब्रीफ केस ढूंढना है। इतनी मुश्किल से मैंने आर्मी का लेवल 1 तो क्लियर कर लिया है, बट अभी यार गाइस मुझे लेवल 2 को भी क्लियर करना है। लेवल 2 को क्लियर करने के लिए मुझे ब्रीफ केस ढूंढना होगा, लेकिन यार गाइस ब्रीफ केस यहां कहीं पे है नहीं। इतने बड़े माउंटेन पर ब्रीफ केस मुझे कहां पे मिलेगा। एक काम करता हूं कि इन पत्तों के नीचे देखता हूं, लेकिन नहीं यार गाइस यहां पे तो कुछ भी नहीं है और यहां पे भी कुछ भी नहीं है। आप लोग यार गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। अभी आप लोग ही मुझे आर्मी में सेलेक्ट करवा सकते हो। मैंने काफी ज्यादा मेहनत की आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए, और ये वाली जॉब आती भी साल में सिर्फ और सिर्फ एक दफा है। बट यार गाइस ब्रीफ केस यहाँ कहीं पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आर्मी के जनरल ने मुझे बोला था कि ब्रीफ केस, और साथ में उसने मुझे बोला था कि मेरी बात को गौर से सुनना। कहीं ये कोई मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट तो नहीं है। मेरे ख्याल से तो आर्मी वाले मेरा दिमाग टेस्ट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई पजल है। अभी अगर हम लोग ब्रीफ और केस को अलग अलग करें तो ब्रीफ एक डिफरेंट वर्ड है और केस एक डिफरेंट वर्ड है। ब्रीफ केस, मेरे ख्याल से मुझे केस और ब्रीफ को, बल्कि एक सेकंड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी करके या तो ब्रीफ केस को ढूंढना है या फिर किसी ना किसी केस को ढूंढना है। लगता है कि लेवल 2 मुझसे फेल हो जाएगा। अभी ब्रीफ केस तो यार गाइस यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी करके ब्रीफ केस को ढूंढना होगा। एक सेकंड, ये कौन है। अरे बेटा मेरी बात सुनो। हाँ बोलो क्या हुआ। बेटा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज मेरी गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगा दोगे क्या। आपकी गाड़ी खराब हो गई है किधर। बेटा वो सामने सड़क पे खराब हो गई है, प्लीज धक्का दे दो। तुम्हारी गाड़ी को धक्का दे दूं। एक सेकंड, ये मुझे कोई ना कोई केस लग रहा है। और आप लोग इस बंदे को गौर से देखो, ये मुझे कोई नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा है, ये मुझे मिलिट्री का बंदा लग रहा है। इसके जाल में मैं नहीं फंसूंगा। बेटा जल्दी से मेरी मदद कर दो प्लीज, बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा 10 लाख रुपए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी है किधर। बेटा वो सामने की तरफ, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है आ जाओ। देखता हूँ कि ये बंदा मुझे कहाँ पे लेके जाता है। मगर एक सेकंड, मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप होगा। अगर मैंने इस बंदे की बात मान ली तो फिर हो सकता है कि माउंटेन के दूसरी तरफ इसके ढेर सारे बंदे खड़े हुए हों और ये लोग मुझे मार दें, और फिर मेरा टेस्ट भी फेल हो जाएगा। चाचा जी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। अरे बेटा प्लीज, मेरे छोटे छोटे बच्चे, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन देखो आप एक अननोन बंदे हो, और मैं किसी भी अननोन बंदे के लिए इतनी दूर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन क्यों बेटा। क्योंकि अंकल मुझे इस वाली जगह का सही से पता भी नहीं है, मैं खुद पहली दफा यहाँ पर आया हूँ। लेकिन बेटा चलो तो सही, मेरे साथ 10 लाख रुपए दूंगा। एक सेकेंड, अगर इसके पास 10 लाख रुपए हैं तो फिर ये अपनी गाड़ी का धक्का मुझसे क्यों लगवा रहा है। तुम मुझे बोल रहे हो तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ बेटा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, धक्का देना है। लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स पे रोड किधर है। अरे वो क्या है ना कि रोड है, सामने की तरफ रोड है। माउंटेन्स के अंदर रोड कैसे हो सकती है। अरे बेटा चलो तो सही, 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा चलो मान लिया कि माउंटेन के अंदर रोड है भी सही, तो तुम जेब में 10 लाख रुपए लेके क्यों घूम रहे हो। अरे वो मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा तो तुम बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन की गाड़ी खराब हो गई है यहाँ पर। हाँ हाँ बेटा गाड़ी खराब हो गई है। और तुम बोल रहे हो कि माउंटेन की दूसरी तरफ रोड है। हाँ हाँ बेटा वहाँ पे रोड है। 10 लाख रुपए हैं तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास मोबाइल फोन भी होगा। नहीं नहीं बेटा मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। बिजनेसमैन हो के तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है। लेकिन बेटा है, मेरे पास मोबाइल फोन है। अच्छा तुम्हारे पास मोबाइल फोन भी है, तो तुम अगर किसी मैकेनिक को कॉल करके 10 लाख क्या 10,000 रुपए भी दोगे ना, तो वो यहाँ पे आके तुम्हारी गाड़ी रिपेयर कर लेगा। अभी फौरन से पहले निकलो यहाँ से। शाबाश आमेटी, तुमने केस को ब्रीफली सॉल्व कर दिया। मुझे पहले ही पता था कि तुम आर्मी वाले हो। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है लड़के। हाँ वो क्या है ना कि मुझे पता है कि माउंटेन के अंदर रोड्स तो होती नहीं है, और अगर रोड्स हो भी तो किसी की गाड़ी यहाँ पे खराब हो नहीं सकती है। और अगर किसी की गाड़ी यहाँ पे खराब हो भी गई तो वो इतनी दूर माउंटेन पे आके किसी बंदे की हेल्प लेगा नहीं। और अगर उसको किसी बंदे की हेल्प चाहिए भी होगी तो वो उसको 10 लाख
₹1000 तो देगा नहीं। जनरल साहब तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा? फिकर मत करो, अभी हेलीकॉप्टर तुम्हें वापस ले जाएगा। फाइनली यार गाइस, हम लोगों ने ब्रीफ केस ढूंढ लिया है, लेकिन ये कोई ब्रीफ केस नहीं था, इस वाले केस को हम लोगों ने ब्रीफली सॉल्व करना था। काफी ज्यादा टेक्निकल था, लेकिन गाइस अगर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करते ना तो मेरा तो बिल्कुल भी बर्फ के अंदर दिमाग काम नहीं करता। ऑलरेडी मुझे इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है। लेकिन अभी वापस से हम लोग को जाना होगा मिलिट्री बेस के अंदर। सर मैंने लेवल 2 भी क्लियर कर लिया। शाबाश अमेठी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सामने वाली गाड़ी आज के बाद तुम्हारी है और इसके अंदर तुम्हारा यूनिफॉर्म भी है। जल्दी से अपना यूनिफॉर्म पहन के अपनी ड्यूटी करो। लेकिन सर ड्यूटी कौन सी है? तुम्हारा पहला टास्क तुम्हारे पीछे है। पीछे तो साइंटिस्ट है। अभी मैं चलता हूँ। जी ठीक है सर, थैंक यू। फाइनली यार गाइस मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली है, अभी फटाफट से अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ। ये तो कमांडोज का यूनिफॉर्म है, मुझे लगा था कि मैं आर्मी का सोल्जर बनूंगा, बट नहीं यार गाइस मैं आर्मी का कमांडर बन चुका हूँ। कितना ज्यादा ओपी यूनिफॉर्म है। लेकिन जनरल साहब ने मुझे बोला है कि मेरा पहला टास्क ये वाला है। अब तक तो बहुत देर कर दी कमांडर साहब, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय होने वाला है। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय होने वाला है? तुमने बिल्कुल सही सुना, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय होने वाला है। क्या मतलब पूरा का पूरा लॉस सैंटोस डिस्ट्रॉय होने वाला है? मुझे सही से बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। अरे नहीं बताऊंगा, क्या करोगे? करूंगा कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे सर पे गोली मार दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बताता हूँ। मेरे बॉस ने एक लिक्विड तैयार की है और अभी तक तो उसने वो वाला लिक्विड वाटर सप्लाई में मिला भी दिया होगा। लिक्विड तैयार किया है, वाटर सप्लाई? क्या बोलना चाह रहे हो, जल्दी बताओ मुझे। जाके वाटर सप्लाई पे देख लो। मुझे फौरन से पहले वाटर सप्लाई पे जाके देखना होगा, मगर एक सेकेंड, सबसे पहले मुझे अपना ये मुंह वाला मास्क उतारना होगा, ये काफी ज्यादा हैवी है। अभी बिल्कुल ठीक है, मुझे सांस लेने में आसानी हो रही है। लेकिन इस बंदे ने मुझे बोला है कि इसके बॉस ने एक लिक्विड तैयार किया है और वो लिक्विड उसने वाटर सप्लाई में मिला दिया है। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ से लॉस सैंटोस के सारे घरों में वाटर सप्लाई किया जाता है, और यहाँ कहीं पे मुझे कोई भी साइंटिस्ट दिखाई नहीं दे रहा। मगर एक सेकेंड, एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूँ कि स्नाइपर निकाल के देखता हूँ। और वेट यार गाइस, ये तो साइंटिस्ट है, मगर ये पानी में क्या मिला रहा है? मुझे फौरन से पहले जाके इसको रोकना होगा। मेरे ख्याल से तो इसके हाथ में कोई जहर वगैरह है। मुझे फटाफट से जाके इस वाले साइंटिस्ट को रोकना है और साथ में मुझे वाटर सप्लाई को भी बंद करना होगा, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता कि इस बंदे के कैन के अंदर क्या चीज है। अबे फौरन से पहले वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे अब तक तो बहुत देर हो गई। एक सेकंड यार गाइस, पता नहीं इसने पानी में क्या मिला दिया है। मुझे फौरन से पहले इससे जाके पूछना होगा। मुझे चुपचाप बताओ कि ये क्या चीज है, पानी में क्या मिलाया तुमने? तुमने बहुत देर कर दी आने में, अभी थोड़ी देर के अंदर पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के लोग मेरे नौकर होंगे। क्या बात कर रहे हो, कौन तुम्हारा नौकर बन जाएगा? पानी के अंदर केमिकल तो मिला दिया मैंने, अभी तुम मुझे क्या करोगे? मुझे चुपचाप बताओ कि ये कौन सा केमिकल था। अरे केमिकल नहीं, इसको तुम वायरस बोल सकते हो। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ कौन सा वायरस है। रुको दोबारा गिरा के दिखाता हूँ। अबे यार गाइस, इसके हाथ में पता नहीं क्या चीज है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहीं पे रुक जाओ। अरे नहीं रुकूंगा, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कैन को यहीं पे फेंक दो। मैंने तुम्हें बताया तो है कि कैन को नीचे नहीं फेंकूंगा। लगता है कि ये बंदा पागल वागल हो गया है। अगर तुमने कैन को नीचे नहीं फेंका तो मुझे तुम्हें गोली मारनी होगी। मुझे गोली मारोगे तो क्या होगा, लॉस सैंटोस तो गया तुम लोग के हाथ से। अबे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ रुक जाओ। एक सेकंड यार गाइस, कैन गया पानी के अंदर, पूरा का पूरा कैन गया पानी के अंदर। तुम मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना? लगता है कि यार गाइस ये भी मर गया। अब मैं क्या करूंगा, पता नहीं इसने पानी के अंदर क्या मिलाया है। मुझे फौरन से पहले वाटर सप्लाई को बंद करना होगा, इससे पहले कि ये पूरा का पूरा जहर वाला पानी लॉस सैंटोस के लोगों के घरों के अंदर जाए। मुझे वाटर सप्लाई को कुछ भी करके बंद करना होगा। लेकिन यहाँ कहीं पे मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा है। और एक सेकंड गाइस, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब तक तो लॉस सैंटोस के घरों तक ये वाला पानी पहुंच गया होगा। मुझे कुछ भी करके लॉस सैंटोस को बचाना है, मगर वेट, ये पूरा का पूरा पानी लॉस सैंटोस के लोगों के घरों तक जा रहा है। अब इतने ज्यादा पानी को मैं कैसे रोकूंगा? एक काम करता हूँ कि वापस से मिलिट्री बेस जाके जनरल को पूरी की पूरी बात बताता हूँ। पता नहीं साइंटिस्ट ने पानी के अंदर क्या ही चीज मिलाई होगी। मुझे जल्दी से पूरी की पूरी बात आर्मी के जनरल को बतानी होगी। तो मैं काम करो कि आर्मी के जनरल को यहाँ पर लेकर आओ। जी ठीक है सर, अभी लेकर आता हूँ। और तुम मुझे बताओगे तुम्हारे बॉस ने पानी के अंदर क्या मिलाया है? अरे अब तक तो बहुत देर हो गई ये लगता है। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बॉस ने पानी के अंदर क्या चीज मिलाई है? अगर नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हें मारना होगा, और तुम्हारा बॉस तो ऑलरेडी मर चुका है। क्या तुमने मेरे बॉस को मार दिया? हाँ मैंने तुम्हारे बॉस को मार दिया है, अभी मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मुझे जल्दी से बताओ कि पानी के अंदर क्या मिलाया उसने? पानी के अंदर ज़ॉम्बी वायरस मिलाया उसने। अबे यार गाइस, ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया इन लोगों ने लॉस सैंटोस के अंदर। बोलो हाँ मेटी क्या हुआ? सर इन लोगों ने लॉस सैंटोस के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इन लोगों ने लॉस सैंटोस के पानी के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया है। तो तुम क्या कर रहे थे? सर मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। ज़ॉम्बी वायरस फैला किस तरह? ज़ॉम्बी वायरस पानी के थ्रू पूरे के पूरे लॉस सैंटोस
में फैलाया जा रहा है। हाँ मिलिट्री, ये तो बहुत बुरी खबर है, हम लोग को लॉस सैंटोस को बचाना होगा। जी सर वो तो ठीक है, लेकिन बचाएंगे किस तरह? एंटीडोट चाहिए होगा हम लोग को। लेकिन सर एंटीडोट कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग? एंटीडोट हम लोग को ये साइंटिस्ट का बॉस देगा। लेकिन सर साइंटिस्ट का बॉस तो मर चुका है। तो फिर ये हम लोग को एंटीडोट बना के देगा। हाँ भाई साइंटिस्ट, तुम एंटीडोट बना सकते हो क्या? अरे नहीं नहीं, एंटीडोट मुझे बनाने नहीं आता। हाँ मिलिट्री इसको शूट करो। जी सर। हाँ मिलिट्री शूट करो इसको। लेकिन सर फिर एंटीडोट? जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। अच्छा ठीक है सर, मैं शूट करता हूँ इसको। और आज के बाद तुम्हें मैं जो भी ऑर्डर दूँ तुमने उसी टाइम उसको पूरा करना है। जी ठीक है सर, लेकिन अभी आगे का क्या प्लान है? जल्दी से लॉस सैंटोस जाके देखो कि वायरस फैला भी है या फिर नहीं। जी ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। और ये गाड़ी का क्या हाल किया तुमने? वो क्या है ना कि सर, जैसे ही मुझे साइंटिस्ट के बॉस का पता चला मैं फौरन से निकल गया और रास्ते में गाड़ी भी ठुक गई मेरी। कोई बात नहीं, जितनी गाड़ियां चाहिए तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन अभी लॉस सैंटोस के अंदर जाके देखो कि ज़ॉम्बी वायरस फैला है या फिर नहीं। जी ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। लॉस सैंटोस सिटी के अंदर तो मैं आ चुका हूँ और गाइस यहाँ पे तो मुझे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ज़ॉम्बी वायरस का तो दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं है। मैं एक सेकंड इन लोग को चेक करता हूँ। नहीं यार गाइस, ये सब लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं। कहीं साइंटिस्ट ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? बल्कि नहीं यार गाइस, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। मगर लॉस सैंटोस तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और अब तक तो इन लोग के घर में पानी भी आ चुका होगा, इन लोगों ने पानी भी पी लिया है। तो फिर ये लोग अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बने? मुझे तो कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई तुमने पानी पिया है क्या? अबे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने पानी पिया है क्या? ये लोग यार गाइस मुझसे कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी मिलिट्री वाला हो गया हूँ तो मैं किसी को भी ऐसा रोक के पूछ नहीं सकता हूँ। लेकिन यार गाइस मुझे दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं। ज़ॉम्बी वायरस लॉस सैंटोस के अंदर नहीं फैला है। एक काम करता हूँ कि वापस से मिलिट्री बेस जाके जनरल को बताता हूँ कि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस बिल्कुल नॉर्मल है, गाड़ियां भी घूम रही है, सब के सब लोग भी ठीक है, ज़ॉम्बी वायरस का तो कोई भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं नजर आ रहा है। वापस से मिलिट्री बेस जाता हूँ। मगर एक सेकंड यार गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। अबे यार गाइस ये लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, मुझे फौरन से पहले इन लोग को मारना होगा। लॉस सैंटोस का वाटर सप्लाई है बिल्कुल इस वाले माउंटेन की दूसरी तरफ और यहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। मगर ये पूरी की पूरी गाड़ियां क्यों जल गई एकदम से? ज़ॉम्बी वायरस मुझे लग रहा है कि यार गाइस ये वाला कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठ के मिलिट्री बेस जाना होगा। यहाँ पर तो यार गाइस काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। अगर तो किसी एक ज़ॉम्बी ने भी मुझे काट लिया तो फिर यार गाइस मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मुझे अपने आप को बचा के मिलिट्री बेस वापस जाना होगा। यहाँ पर तो यार गाइस काफी ज्यादा लोग हैं। और वेट 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 यार गाइस, ये वाली गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है। ये वाली गाड़ी अभी यहाँ पे ब्लास्ट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर से आग निकल रही है। ये वाले ज़ॉम्बीज यार गाइस काफी ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों ने पूरा का पूरा हाईवे ब्लॉक करके रख दिया है। यार गाइस ये वाले ज़ॉम्बीज तो गाड़ी में घूम रहे हैं और सारी की सारी गाड़ियों के अंदर से धुएं भी निकल रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का ज़ॉम्बी वायरस है। इस तरह का ज़ॉम्बी वायरस लॉस सैंटोस के अंदर मैंने पहले तो कभी भी नहीं देखा है। और ये पूरी की पूरी गाड़ियां भी खाली हैं। एक काम करता हूँ कि इन गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता हूँ, जो भी ज़ॉम्बी होगा वो खुद ब खुद ही मर जाएगा। मुझे कुछ भी करके लॉस सैंटोस को बचाना होगा। बट यार गाइस ज़ॉम्बीज को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी तो मुझे दूर दूर तक ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगा था कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं, बट नहीं यार गाइस ये लोग अभी तक जिंदा है। और ये वाले ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने इसको रॉकेट लॉन्चर मारा है और मेरे ख्याल से ये वाला ज़ॉम्बी अभी मर चुका होगा। देखता हूँ कि ये मरा है या फिर नहीं। आग तो लग रही है इसको और ये जल गया। फाइनली यार गाइस ये मर चुका है, बट नहीं ये तो जिंदा है। ये किस तरह के ज़ॉम्बीज हैं? ओए यार गाइस इन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना बड़ा रॉकेट लॉन्चर मारो मगर यार गाइस इनको कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हो पूरा का पूरा आग में जल रहा है लेकिन ये दोबारा से खड़ा हो जाता है। लगता है कि मर गया बट नहीं, ये वाला ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा है। और एक सेकंड मेरे पीछे भी ज़ॉम्बी है। अच्छा हुआ कि मैंने टाइम से इसको देख लिया है। मगर धीरे धीरे यार गाइस ये लोग यहाँ पे ज्यादा होते जा रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग मुझे काट लें मुझे फौरन से पहले मिलिट्री बेस के अंदर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पे भी ग्रेनेड फेंक देता हूँ ताकि ये लोग मुझे फॉलो ना कर सके। मगर ये लोग ग्रेनेड से भी नहीं मर रहे और ना ही ये लोग रॉकेट लॉन्चर से मर रहे हैं। ये वाला ज़ॉम्बी वायरस अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस होने वाला है। वेट यार गाइस ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। लॉस सैंटोस के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। मुझे फटाफट से सिंचना और चौक को भी बचाना है। एक काम करता हूँ कि पहले अपनी गाड़ी में बैठ के जाता हूँ। मगर वेट मेरी गाड़ी जला दी इन लोगों ने। अबे यार गाइस मैं वापस किस तरह जाऊंगा? मिलिट्री बेस यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और इन लोग की पूरी गाड़ियां ब्लास्ट हो चुकी हैं। मगर एक सेकंड सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। एक काम करता हूँ कि यहाँ से किसी की गाड़ी लेके सीधा मिलिट्री बेस निकलता हूँ। मगर एक सेकंड इसकी गाड़ी के अंदर से स्मोक निकल रहा है। ये वाली गाड़ी तो खराब हो गई है, मुझे पीछे जाके किसी और गाड़ी को ढूंढना होगा। सामने की तरफ मुझे थोड़ी सी गाड़ियां तो दिखाई दे रही है मगर ये सारी की सारी गाड़ियां एक ही जगह पे रुक गई है। इसका मतलब ये है कि ये वाली गाड़ियां भी खराब हो गई है। ये वाला ज़ॉम्बी वायरस अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस है। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर फेंकता हूँ और अभी मुझे यहाँ पे गाड़ियों की कंडीशन देखनी होगी। मगर नहीं, इसके अंदर से भी स्मोक निकल रहा है। सारी की सारी गाड़ियां यार गाइस यहाँ पे खराब हो चुकी हैं। मुझे
मिलिट्री बेस से अभी पैदल ही जाना होगा। फाइनली यार गाइस मैं मिलिट्री बेस के अंदर तो पहुंच गया हूँ, लेकिन कहीं ज़ॉम्बी वायरस यहाँ पे तो नहीं आ गया। बल्कि नहीं यार गाइस, आर्मी का जनरल बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ बेटी बताओ क्या अपडेट है? सर ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। क्या बात कर रहे हो? जी सर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और ये वाला ज़ॉम्बी वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने ज़ॉम्बीज़ को रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर भी मारा है, लेकिन उन लोग को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बेटी ये तो बहुत बुरी खबर है। प्रेसिडेंट साहब अभी थोड़ी देर के अंदर लॉस सैंटोस एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। लेकिन सर आप प्रेसिडेंट को मना कर दो कि वो लॉस सैंटोस में नहीं आए। ऐसे कैसे मना कर दूं? हाँ बेटी हम लोग लॉस सैंटोस की आर्मी वाले हैं, हम लोग को लॉस सैंटोस को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट साहब को। लेकिन सर अभी बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग जल्दी से जाके मिलिट्री बंकर में छुप जाते हैं। हाँ बेटी हम लोग छुपेंगे नहीं, हम लोग ज़ॉम्बी वायरस से फाइट करेंगे। लेकिन सर ये वाली ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग इनको नहीं मार सकते हैं। फिक्र मत करो मैं एंटीडोट को बनाने की तैयारी करता हूँ। तुम जल्दी से एयरपोर्ट जाके प्रेसिडेंट साहब को हम लोग के सीक्रेट बंकर के अंदर लेके जाओ। लेकिन सर सीक्रेट बंकर की लोकेशन किधर है? लोकेशन मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे प्रेसिडेंट साहब को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी ठीक है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को भी अभी यहाँ पे आना था। अगर तो यार गाइस मैंने लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को नहीं बचाया ना, तो फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। मुझे कुछ भी करके लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को बचाना होगा। लगता है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर आ चुके हैं। एक काम करता हूँ कि ट्रक को पार्क करता हूँ यहीं पर और देखता हूँ कि प्रेसिडेंट यहाँ पे आया भी है या फिर नहीं। सिक्योरिटी तो यार गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा है और मेरे ख्याल से इन लोग को पता नहीं है कि ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। हाँ भाई तुम्हें पता है कि ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है? क्या कौन सा वायरस? अबे ज़ॉम्बी वायरस। अरे कमांडो पागल हो गए हो क्या? ये नुबड़ी स्वाट टीम है और इनको पता ही नहीं है कि ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। मुझे फटाफट से प्रेसिडेंट को लेके यहाँ से निकलना होगा। मगर प्रेसिडेंट साहब किधर है? ये ऊपर खड़े हुए। सर आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तुम कौन हो? सर मैं लॉस सैंटोस की मिलिट्री का कमांडर हूँ। जनरल साहब का ऑर्डर है, मुझे आपको सीक्रेट बंकर में लेके जाना होगा। लेकिन सीक्रेट बंकर में क्यों? मैं तो प्रेसिडेंट हाउस जाऊंगा। लेकिन सर आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को कौन सा खतरा हो गया? देख नहीं रहे कि मेरी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है? अरे सर ये सिक्योरिटी वेक्योरिटी आपके काम नहीं आएगी, आपको चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है? सर लॉस सैंटोस के अंदर ज़ॉम्बी वायरस आ चुका है। क्या बोला तुमने? ज़ॉम्बी वायरस? अरे सर धीरे बोलो। तुमने ज़ॉम्बी वायरस बोला क्या? जी सर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, आपको मेरे साथ चलना होगा मिलिट्री के सीक्रेट बंकर के अंदर। अच्छा ठीक है चलो, फटाफट से आगे मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। अभी प्रेसिडेंट को मैं कौन सी गाड़ी में लेके जाऊँ? एक काम करता हूँ कि सबसे ज्यादा ओपी गाड़ी चूज करनी होगी मुझे। मेरे ख्याल से तो ये वाली गाड़ी ठीक रहेगी। हाँ वैसे यार गाइस ये वाली गाड़ी ठीक रहेगी। फटाफट से प्रेसिडेंट को इसके अंदर बिठा के लेके जाता हूँ सीक्रेट बंकर के अंदर। मगर एक सेकंड यार गाइस, ये लोग मुझे क्यों गोलियां मार रहे हैं? अबे पागल पागल हो गए हो क्या? लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट यार गाइस एक नंबर का नूबड़ा है और मेरे ख्याल से तो यार गाइस ये कोई ना कोई ट्रैप है। मुझे लगता है ये कोई ना कोई ट्रैप है। अच्छा वक्त मैं इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ गया, ये वाली गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है। मुझे फौरन से पहले लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को बचाना है। ये पूरी की पूरी पुलिस उस वाले साइंटिस्ट के साथ मिली हुई है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये बड़े लेवल का काम हो रहा है। हाँ बेटी तुम कहाँ पर हो? ये गोलियों की आवाजें क्यों आ रही हैं? सर ये लोग प्रेसिडेंट साहब को मारना चाहते हैं। कौन लोग प्रेसिडेंट को मारना चाहते हैं? अरे सर ये पूरे के पूरे पुलिस वाले। इसका मतलब ये है कि हाँ बेटी ये पूरी की पूरी नकली पुलिस है। तुम्हें इन सबको मार के प्रेसिडेंट साहब को सीक्रेट बंकर तक पहुँचाना होगा। जी सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। अगर तुम बोलते हो तो मैं बाकी की टीम भेजूं क्या? नहीं नहीं सर बाकी टीम को भेजने की जरूरत नहीं है, इन नूबड़ों को मैं खुद ही मार दूंगा। ठीक है हाँ बेटी मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। लेकिन सर ये वाला काम बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। ये लोग पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और साथ में लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को भी मारना चाहते हैं। हाँ बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस बात को इन्वेस्टिगेट करूंगा। लेकिन मुझे बताओ कि वहाँ पे कौन कौन लोग हैं? सर यहाँ पे FBI वाले भी हैं, SWAT टीम वाले भी हैं और पुलिस वाले भी हैं। लेकिन हाँ बेटी प्रेसिडेंट साहब किधर हैं? प्रेसिडेंट साहब जहाज के अंदर वापस घुस गए हैं। हाँ बेटी इस बात का ध्यान रहे कि प्रेसिडेंट साहब को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी ठीक है सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अभी एक काम करता हूँ कि गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पे और ये लोग अभी ऐसे तो मरेंगे नहीं। मुझे फटाफट से अपनी गन को निकालना होगा और अभी इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला है। ये सारे के सारे पुलिस वाले करप्ट हैं। लेकिन एक सेकंड, मेरे ख्याल से मुझे निकालना चाहिए रॉकेट लॉन्चर, क्योंकि यार गाइस ये लोग काफी ज्यादा हैं और प्रेसिडेंट तो जहाज के अंदर घुस गया है। मुझे जहाज को नहीं ब्लास्ट करना होगा, बाकी पूरी की पूरी गाड़ियों को मैं उड़ा दूंगा। और मुझे लगता है कि ये सब लोग यहाँ पे मर चुके हैं। मगर नहीं यार गाइस ये लोग काफी ज्यादा हैं। मुझे फौरन से पहले इन लोग को मारना होगा। मगर एक सेकंड, मुझे गोलियां कौन मार रहा है? यार गाइस ये लोग काफी ज्यादा है यहाँ पर। जैसे इन लोग को पता चला कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री यहाँ पर आ चुकी है, इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी पता नहीं प्रेसिडेंट साहब ठीक होंगे या फिर नहीं। सर आप जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन बाहर बहुत गोलियां चल रही है, तुम कौन हो? अरे सर मैं आर्मी वाला हूँ। ठीक है मैं बाहर आता हूँ। मुझे जल्दी से पूरे के पूरे एरिया को चेक करना होगा। हाँ बेटी पूरा का पूरा एरिया क्लियर है क्या? जी सर पूरा का पूरा एरिया क्लियर है, आप बाहर आ सकते हो। ठीक है हाँ बेटी गाड़ी लेकर आओ। जी ठीक है सर मैं अभी लेकर आता हूँ। ये तो मुझे कहाँ पे लेकर जा रहे हो? प्रेसिडेंट सर
आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सेफ जगह पे लेके जा रहा हूँ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुझे मार दो। अगर मैंने आपको मारना होता तो मैं आपको बहुत पहले मार देता। लेकिन मेरे कॉन्वॉय ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? क्योंकि सर कुछ लोग आपको मारना चाहते हैं और वो लोग पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं? अभी इस बात का तो हम लोग को पता नहीं है, जनरल साहब पता लगा लेंगे। लेकिन अभी हम लोग जा किधर हैं? सर अभी हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट बेस के अंदर। मगर एक सेकंड, आप गाड़ी से उतरना मत। लेकिन ये सब तो नॉर्मल है। हाँ ये सारे के सारे लोग तो नॉर्मल है। लगता है कि लॉस सैंटोस के विलेज में अभी तक ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला है, लेकिन लॉस सैंटोस सिटी का बहुत बुरा हाल है। तुम लोग का सीक्रेट बंकर कितना दूर है? हम लोग का सीक्रेट बंकर वो सामने की तरफ है। मेरी आर्मी के जनरल से बात कराओ। लेकिन सर आप उनको मेरी शिकायत लगाओगे क्या? नहीं आमेठी, मेरी बात कराओ। लेकिन सर मेरे पास जनरल साहब का पर्सनल नंबर नहीं है, वो मुझे खुद ही कॉल करते हैं। तो आमेठी तुम उस नंबर पे कॉल करो। लेकिन सर मैं उस नंबर पे कॉल नहीं कर सकता हूँ, वो अननोन नंबर से कॉल करते हैं और आपको तो पता है कि अननोन नंबर पे हम लोग कॉल बैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, जनरल साहब की कॉल आ रही है। ठीक है आमेठी, मेरी बात करो। जनरल साहब मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। जी जी सर आप ठीक तो है ना? हाँ जनरल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस बंदे को आपने मुझे रिसीव करने के लिए भेजा था, इसने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है। पूरी की पूरी आर्मी को इस अकेले ने मार के मेरी जान बचा ली। प्रेसिडेंट साहब इस लड़के को हम लोगों ने आज ही भर्ती की है। जनरल साहब आपको मेरी एक बात माननी होगी। जी प्रेसिडेंट साहब बोलो। जनरल साहब आपको आमेठी को प्रमोट करना होगा और मेरी तरफ से इसको डायमंड मिलिट्री कार दो। जी ठीक है सर, जैसा आपका ऑर्डर। लेकिन सर मैं डायमंड मिलिट्री कार को क्या करूंगा? आमेठी तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में लॉस सैंटोस की मिलिट्री तुम्हें डायमंड की मिलिट्री कार देगी। जी ठीक है, थैंक यू सर। अभी आप अंदर आ जाओ, ये हम लोग की मिलिट्री का सीक्रेट बंकर है। ठीक है आमेठी चलो। वैसे यार गाइस ये सीक्रेट बंकर तो कुछ ज्यादा ही ओपी है, मैं खुद यहाँ पे पहली दफा आ रहा हूँ। और एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या एलिवेटर है क्या? मानना पड़ेगा गाइस ये वाला सीक्रेट बंकर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन अभी मुझे डायमंड की मिलिट्री कार मिलने वाली है, फटाफट से वापस मिलिट्री बेस के अंदर जाता हूँ। प्रेसिडेंट को तो मैंने सीक्रेट बेस के अंदर छोड़ दिया है, अभी मुझे मिलिट्री बेस के अंदर जाना होगा। मिलिट्री बेस के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन ये डायमंड की गाड़ी लगता है कि मेरे लिए होगी। शाबाश आमेठी, तुमने एक ही दिन के अंदर अंदर लॉस सैंटोस की मिलिट्री का सर फखर से ऊंचा कर दिया है। जी थैंक यू सर। प्रेसिडेंट साहब सेफ है ना? प्रेसिडेंट साहब को मैंने मिलिट्री के सीक्रेट बंकर के अंदर छोड़ दिया है। ठीक है आमेठी, आज के बाद ये डायमंड की गाड़ी तुम्हारी हुई। लेकिन सर ये तो काफी ज्यादा महंगी होगी। आमेठी इस तरह की गाड़ी लॉस सैंटोस के जनरल के पास भी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर था तो तुम्हें ये वाली गाड़ी दी जाती है। लेकिन सर आपके पास भी ये गाड़ी नहीं है क्या? नहीं आमेठी, इस तरह की गाड़ी लॉस सैंटोस की मिलिट्री के किसी बंदे के पास नहीं है। अच्छा वो तो ठीक है सर, लेकिन ज़ॉम्बी वायरस का क्या करेंगे हम लोग? हाँ बेटी एक बुरी खबर है। क्यों सर अभी क्या हुआ? एंटीडोट बनने में 1-2 दिन और लगेंगे। लेकिन सर तब तक तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो जाएगा। तुम जैसे कमांडोज के होते हुए लॉस सैंटोस को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सर वो एंटीडोट कब बनेगा? हाँ बेटी तुम थक गए होगे, थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके बाद तुम्हें मैं दूसरे मिशन पे भेजूंगा। लेकिन सर मेरी छुट्टी कब होगी? लॉस सैंटोस की मिलिट्री में छुट्टी नहीं होती। अच्छा ठीक है सर, वैसे भी मुझे मिलिट्री की जॉब करके बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम है रेस्ट करने के लिए, उसके बाद वापस से यहाँ पर आना। लेकिन सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो आमेठी क्या हुआ? सर वो मेरा एक छोटा भाई है 5 साल का और मेरा एक डॉगी है चॉप, मैं उन दोनों को मिलिट्री के सीक्रेट बंकर के अंदर लेके जा सकता हूँ क्या? हाँ आमेठी क्यों नहीं, ले जाओ उनको भी। अच्छा ठीक है थैंक यू सर। मुझे तो यार गाइस बस सिंचन और चॉप की चिंता हो रही थी, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। और ये वाली गाड़ी तो यार गाइस कुछ ज्यादा ही मस्त है, पूरी की पूरी डायमंड की है। और जनरल मुझे बता रहा था कि इस तरह की गाड़ी उसके पास भी नहीं है। लेकिन यार गाइस अभी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो मुझे 1 घंटा कहीं ना कहीं पे सोना होगा, उसके बाद लॉस सैंटोस का जनरल मुझे दूसरे मिशन पे भेजेगा। अभी तक तो लॉस सैंटोस के अंदर से ज़ॉम्बी वायरस भी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो यार गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो आई होप कि यार गाइस 1-2 दिन तक हम लोग के 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मैं आप लोग से मिलता हूँ सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।